अब हम इस वीडियो में परचेज ऑर्डर की एंट्री सीखते हैं। परचेज ऑर्डर की एंट्री से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसा जानना हो कि मैंने इंडेंट तो बना दी है बट परचेज ऑर्डर बनाना बाकी है, यानी ऐसी कितनी इंडेंट्स है कि जिसके परचेज ऑर्डर अभी तक नहीं बने हैं, उसको देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, इंडेंट रिपोर्ट्स में जाना है और पीओ पेंडिंग फॉर इंडेंट में जाना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंडेंट का, जैसे ये चार नंबर की जो इंडेंट है इसकी ये दो आइटम हैं, उस दो आइटम की ये इंडेंट क्वांटिटी है और ये पेंडिंग पीओ क्वांटिटी है और उसकी पीओ क्वांटिटी जीरो है, यानी इसकी पीओ नहीं बनी है। और जैसे ये तीन नंबर की जो इंडेंट है उसकी ये जो पहली वाली आइटम है उसकी इंडेंट क्वांटिटी 200 है और उसकी पीओ क्वांटिटी 100 है, यानी उसका एक पीओ बन चुका है 100 क्वांटिटी का, अभी भी 100 क्वांटिटी का पीओ बनाना बाकी है। जब आप डिटेल प्रेस करोगे इस रिपोर्ट में तो यहाँ पे ये जो पीओ बना है वो डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके उस परचेज ऑर्डर को देख भी सकते हो और एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। तो ये हो गया पीओ पेंडिंग फॉर इंडेंट। अब हम देखते हैं, अच्छा सॉरी, दूसरा ये रिपोर्ट अगर आपको फिल्टर करना हो तो आप ऐप 12 से फिल्टर भी कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर किसी इंडेंट का स्टेटस देखना है तो उस इंडेंट नंबर से आप उसको आइटम नेम से, वाउचर टाइप से या डिपार्टमेंट से आप फिल्टर करके देख सकते हो। अब हम देखते हैं परचेज ऑर्डर का एंट्री। तो परचेज ऑर्डर का एंट्री के लिए आपको जो डिफॉल्ट टैली में फंक्शनैलिटी है वो सेम है, ऑर्डर्स वाउचर्स में जाना है, परचेज ऑर्डर का बटन क्लिक करके आपको परचेज ऑर्डर की वाउचर टाइप सेलेक्ट करनी है। ये मैंने सप्लायर सेलेक्ट किया। फिर आगे यहाँ पे आपको जितने भी इंडेंट पेंडिंग है, हाँ, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे जिसका पीओ बनाना, आपको यहाँ से वो इंडेंट को, इंडेंट नंबर को सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये उस इंडेंट की सारी डिटेल यहाँ पे पीओ में आ जाएगी। आपको जो भी परचेज ऑर्डर का क्वांटिटी जो लिखना है वो आपको लिखना है। अगर आपको जैसे ये आइटम है जिसका 100 पीस का इंडेंट क्वांटिटी था, उसमें से सपोज आपको 100 का पीओ बनाना है या 50 का बनाना है, जो भी आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हो। सपोज मैं 50 लिख रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद सपोज ये वाला आइटम आपका पीओ में नहीं है, ये मतलब ये वाला आइटम दूसरे सप्लायर से आप परचेज करते हो, तो ये परचेज ऑर्डर में से ये आइटम आपको निकाल देना है। तो आप यहाँ पे स्पेस बार बटन दबा के एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए और एंटर एंटर करके आप ये सेव कर दीजिए। तो ये मैंने परचेज ऑर्डर सेव कर दिया। तो इस तरह से आपको परचेज ऑर्डर का एंट्री करना है। अब दोबारा हम उस रिपोर्ट में जाके देखते हैं, डिस्प्ले इंडेंट रिपोर्ट पीओ पेंडिंग फॉर इंडेंट। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने उस आइटम के सामने 50 पीस का पीओ बनाया था, वो डिस्प्ले हो गया, यानी 50 पीस अभी पेंडिंग है। अब हम देखते हैं कि सपोज मान लो कि दोबारा मैं ये चार नंबर का इंडेंट है उसके सामने एक दूसरा पीओ बनाता हूँ तो क्या होता है। तो वापिस मैं ऑर्डर वाउचर्स में गया, परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन की। अब मैंने सप्लायर सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडेंट नंबर सिलेक्ट किया। तो देखिए उस इंडेंट की पहली वाली आइटम की 50 क्वांटिटी पेंडिंग थी पीओ बनाने की, तो वो बाय डिफॉल्ट 50 आ गई। और ये दूसरी आइटम की पूरी पेंडिंग थी, यानी 200 पीसेस, वो पूरा आ गया। बट अभी मेरा ये आइटम दूसरे सप्लायर से आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये मेरा मैंने मतलब जो भी पेंडिंग है वो दोबारा अपने आप ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर में आ जाएगा।
अब हम एक दूसरा दोबारा एक परचेज ऑर्डर देखते हैं। सपोज मैं ये दूसरे सप्लायर से का परचेज ऑर्डर रेस कर रहा हूँ, मैंने सप्लायर सिलेक्ट किया और वही सेम इंडेंट नंबर 4 को ट्रैकिंग किया। तो अब देखिए कि जो सेकंड नंबर का आइटम था जिसका 200 क्वांटिटी पेंडिंग था पीओ बनाने का, तो वो आइटम ऑटोमेटिक आ गया परचेज ऑर्डर के अंदर। बस एंटर एंटर करके आपको सेव करना है। अब हम वापिस डिस्प्ले में जा रहे हैं, इंडेंट रिपोर्ट्स में जा रहे हैं और पीओ पेंडिंग फॉर इंडेंट्स में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर का इंडेंट था वो निकल गया, यानी 4 नंबर के इंडेंट की जितनी भी आइटम है उसकी सारे आइटम के पीओ बन चुके हैं। अब आपको ऐसा देखना हो कि कौन से इंडेंट्स के पीओ बन चुके हैं जो क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा कि ये जो इंडेंट है उसके पीओ बन चुके हैं, यानी पेंडिंग पीओ क्वांटिटी 0 है। आप यहाँ से ऑल्टर F1 करके जब करोगे तो उसके नीचे उसके सारे परचेज ऑर्डर डिस्प्ले होंगे और आप एंटर प्रेस करके उस परचेज ऑर्डर को ओपन करके देख सकते हैं।